हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है किराना दुकान पर एक सामान ना होने पर होते हैं ये चार बड़े नुकसान। कि किराना दुकान में एक सामान ना होने पर चार बड़े नुकसान कौन से होते हैं, कौन से चीज़ पर होता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक सामान ना होने पर चार ऐसे बड़े नुकसान कौन से होते हैं एक सामान की वजह से। क्योंकि शायद आपने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी किराना दुकानदार भाई मेरी वीडियो जहाँ कहीं देख रहे हैं, मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ कि देखिए भाई, सबसे पहले जो सबसे मेन होता है, जो सबसे खास बात होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक सामान के ना होने पर चार ऐसे बड़े नुकसान होते हैं। क्योंकि ये इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कि वो कौन सी चीज़ होती है जो हम किराना दुकानदार को इतने बड़े नुकसान होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप एक किराना दुकानदार हैं, आप दुकान कहीं भी की हो, चाहे मार्केट में हो या फिर कॉलोनी में या फिर गाँव में हो, कहीं भी हो, अगर आप एक किराना दुकानदार हैं तो इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा। क्योंकि देखिए, किराना दुकान में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत से ऐसे सामान होते हैं जो हर दुकानदार उस प्रोडक्ट को, उस सामान को रख नहीं पाता है। क्योंकि ये बात 100% सही है। देखिए, किराना दुकान एक ऐसी दुकान है, चाहे आप करोड़ों का माल डाल दीजिए दुकान के अंदर, फिर भी किराना दुकान में सामान प्रोडक्ट कमी रहता है। आज तक कोई भी दुकानदार किराना दुकान का सामान कभी पूरा नहीं कर पाया, और ना तो कोई पूरा कर सकेगा। क्योंकि ये ऐसा दुकान है, एक ऐसा बिजनेस है कि चाहे वो कितना भी बड़ा दुकानदार हो, कभी पूरा कर ही नहीं सकता। किराना दुकान का सामान, यानी कि आप उतनी बड़ी दुकान कीजिए जितना कि आप सामान को रख सकें, प्रोडक्ट पर फोकस कर सकें और उस सामान को पूरा कर सकें। क्योंकि देखिए, कोई भी नहीं कर सकता है पूरा, लेकिन आप उतने करिए, उतनी बड़ी दुकान कीजिए जितना कि आप कवर कर सकें, अपने दुकान पर फोकस कर सकें और जो सामान आपका ख़त्म होता है उस चीज़ को आप रख सकें अपनी दुकान पर, ताकि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पर आए वो दोबारा वापस ना जाए। क्योंकि देखिए, जब भी कस्टमर आपकी दुकान पर आता है और उसको सामान, वो चीज़ें जो मांगता है, जिस प्रोडक्ट की वो मांग करता है, जो सामान उसको चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है, उसकी वजह से आपको कितना बड़ा नुकसान होता है। शायद कुछ दुकानदार ऐसे होंगे जो इस चीज़ को नोटिस नहीं किए होंगे, क्योंकि मैं देखिए आपको हर वीडियो में अच्छे से समझाता हूँ और अच्छे से बताता हूँ और पॉइंट की बात बताता हूँ। क्योंकि शायद आप इस चीज़ को नोटिस नहीं किए होंगे कि एक सामान की वजह से, एक सामान के ना होने पर आपको चार बड़े ऐसे नुकसान कौन से होते हैं। क्योंकि आपको यूट्यूब के अंदर कोई किराना दुकानदार ये चीज़ को नहीं बताया होगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये चीज़ें आपके बहुत काम आएगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ से। क्योंकि देखिए, किराना दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बहुत तरह के कस्टमर आते हैं, आप कौन से कस्टमर को क्या सामान चाहिए ये तो किसी को नहीं पता है। ये चीज़ तो दुकानदार को भी नहीं पता होता है। पता होता है कब? जब वो कस्टमर आपसे बोलता है तब, कि भाई हमें ये सामान चाहिए, तब आपको पता होता है। इससे पहले किसी को नहीं पता होता है कि कस्टमर को कौन सा सामान चाहिए। देखिए, किराना दुकान पर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे पॉइंट की बात क्या होती है, जो हम किराना दुकानदार को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत से ऐसे किराना दुकानदार हैं जो किराना दुकानदार को इस चीज़ से बहुत लॉस होता है ना, बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि देखिए, किराना दुकान पर बहुत तरह के कस्टमर आते हैं, अब कस्टमर आपसे क्या मांग कर रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपसे मांग करते हैं उस चीज़ की, और वो चीज़ आपके पास नहीं होता। क्योंकि देखिए, मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ, जो कस्टमर आपसे मांग करता है वो चीज़ आपके पास नहीं होता है। कि वो चीज़ ना होने पर दुकानदार ये कभी नहीं बोलता है, वो दुकानदार ये जानना चाहता है उस कस्टमर से कि भाई और क्या तुम्हें चाहिए। यानी कि वो दुकानदार उस कस्टमर से ये जानना चाहता है कि इस कस्टमर को और क्या चाहिए। अब ये नहीं बोलता कि भाई ये सामान लॉस हो चुका है। जो दुकानदार दिमागदार होता है वो ये जानना चाहता है, यानी कि अगर ये सामान ख़त्म है हमारे पास, तो जो और सामान चाहिए उस कस्टमर को, ताकि मैं उस कस्टमर को वो सामान दे सकूं। देखिए, सबसे पॉइंट की बात, जब दुकानदार उस कस्टमर को सामान वो देता है, यानी कि जो सामान उसके पास नहीं होता है उस सामान को छोड़ के, अदरवाइज जो सामान उसके पास होता है और कस्टमर को वो भी सामान चाहिए होता है, यानी कि जो सामान नहीं होता उसके पास उस सामान को छोड़ के और सामान अगर कस्टमर चाहिए तो वो सामान देता है सबसे पहले उस कस्टमर को, फिर उसके बाद उससे मैंने यानी कि पेमेंट लेता है, पैसा लेता है, फिर बोलता है भाई वो सामान खत्म हो चुका है, लॉस हो चुका है, थोड़ा देर में आना या कुछ टाइम के बाद आना, या फिर आपको इतने टाइम पर मिल जाएगा। देखिए, ये होता है बिजनेस माइंड, है ना, जो दुकानदार अपने बिजनेस में जल्दी ग्रो करते हैं। ये सबसे पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको ये चीज़ कोई नहीं बताया होगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप एक किराना दुकानदार हैं तो जब भी आपकी दुकान पर कस्टमर आए, है ना, जिस चीज़ की मांग करें, अगर वो चीज़ अगर आपके पास बाई चांस ख़त्म है, तो आप उस कस्टमर से ये जानने की कोशिश करो कि उस कस्टमर को और क्या चाहिए, यानी और क्या वो चाहता है, और क्या उसकी मांग है, उस चीज़ को जानो आप। नहीं तो आपको एक सामान की वजह से, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा, एक सामान की वजह से आपको चार नहीं, बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं एक सामान की वजह से। और इसके साथ साथ में गाइस, मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि देखिए, अगर आपका कस्टमर बना हुआ है, यानी कि अगर वो कस्टमर अगर आपकी दुकान पर सामान लेता है, अगर सामान वो सामान जो सामान आपसे मांग रहा है, यानी कि वो कस्टमर
जब पहली बार आपसे वो सामान का मांग किया, वो सामान अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये चाहिए कि अगर आपका कस्टमर बना है, रेगुलर का है, तो आपको वो सामान किसी भी तरह से आपको उसको ला के दे देना है। ये होता है बिजनेस माइंड, जो कि बहुत से ऐसे कम किराना दुकानदार हैं जो नए किराना दुकानदार हैं इस चीज़ पर नोटिस नहीं कर पाते हैं और ये चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन किराना दुकानदार भाई के पास मेरी वीडियो पहुँच सके। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।